हेलो फ्रेंड्स, मैं चांदनी और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी कि आप हरे मटर से आप एक हेल्दी हरे मटर का पौधा कैसे तैयार करें। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि आप जो सब्जी पकाने के लिए जो हरे मटर लेके आते हैं उस मटर से आप एक मटर का पौधा कैसे तैयार करें। आप जो बाजार से मटर लेके आते हैं उसमें से भी कुछ मटर अंकुरित होते हैं, तो उसी को निकाल के मैं दिखाऊंगी कि कौन से मटर अंकुरित होंगे। देखिए, दोनों मटर में फर्क, ये ज़्यादा ग्रीन है, ये थोड़ा सा कम हो गया है, ये वाइट 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 हो गया है। और इससे इसको पता करने के लिए हम ये इस तरीके से भी पता लगाएंगे कि जैसे ये जो ग्रीन वाला मटर है, हरा वाला, उसको हम इस तरीके से छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो दाने हैं वो छोटे छोटे हैं, और जो ये वाला मटर है उसको छूने पर आपको एहसास होगा कि जो इसके दाने हैं वो बड़े बड़े हैं और ये हार्ड हो चुका है, और इसका वाला थोड़ा सॉफ्ट है। इसको थोड़ा सा थोड़ा दबाने पर आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्ट है और ये थोड़ा हार्ड है। तो हम इसी वाले मटर को लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें मटर के दाने अंकुरित है, तो हम इसको छील लेते हैं। तो देखिए, इसमें से एक दाना अंकुरित है, तो इसको हम लेंगे। इस वाले मटर को हम गमले में लगाएंगे तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा और इसमें से एक अच्छा सा पौधा निकलेगा और इसमें फल भी लगेगा। और अगर हम यही दूसरे वाले मटर को लेते हैं तो देखिए इसमें नहीं है। इस मटर को देखिए ये किस तरीके से ग्रो होगा। देखिए, जैसे इसका छिलका फटा हुआ है तो इसको हम फाड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, इसके नीचे जो ये छोटा सा जो दिख रहा है वही ग्रो होगा, इसको जर्मिनेट करेगा और इससे ही खूबसूरत सा पौधा तैयार होगा। और इस हम इसी को ही मिट्टी में लगाएंगे। तो हम ये अंकुरित मटर को ही लेंगे, हम उस मटर को नहीं लेंगे जिसकी स्किन नहीं फटी होगी। देखिए, इसकी स्किन नहीं फटी है तो हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला मटर ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हम वही अंकुरित वाला मटर लेंगे और उसी से हम अपना नया पौधा तैयार करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का मटर नहीं है तो आप जो मटर लेके आती हैं उस मटर में से उस हार्ड वाले मटर को चुनिए जो ग्रो हो पाए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने हरे मटर और निकाल लिया है, और आपको बताती हूँ मैं कि कौन सा मटर आपका ग्रो हो पाएगा। तो देखिए, मैंने ये जो मटर है वो ही ग्रो हो पाएगा, तो इसको मैंने ले लिया है। और ये इस हाथ में जो मटर है वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये ज़्यादा ग्रीन लग रहा है और इसके दाने जो हैं वो नाजुक हैं, कच्चे हैं, और जो दूसरे हाथ में जो मटर है उसके दाने पक चुके हैं और ये हार्ड हो चुका है। तो हम इस मटर को लेंगे और यही मटर को हम पॉलिथीन में बंद करके फ्रिज में डाल देंगे और 10-15 दिनों के बाद ये अंकुरित हो जाएगा। देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले फ्रिज में रखा था तो उसमें से एक मटर है जो काफ़ी हद तक अंकुरित हो गया है। तो हम इसको मिट्टी में लगाएंगे और इससे ही एक खूबसूरत और हेल्दी प्लांट तैयार करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। मटर के दाने को गमले में आप इस तरीके से डाल दें। इसी तरीके से हम बाकी मटर को भी गमले में लगा लेंगे और ऊपर से उसको मिट्टी से ढक देंगे और फिर हल्का सा पानी डाल देंगे उसमें ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। मैंने इसी तरीके से मैंने दूसरा पौधा तैयार किया है जिसमें अभी कुछ मटर के फलियाँ आ गए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी, तो देखते रहिए। 6 दिनों के बाद देखिए उस मटर से एक छोटा सा पौधा तैयार हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसी हरे मटर से ये मटर का पौधा तैयार किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पौधे में काफ़ी मटर की जो फलियां होती है वो आ गई हैं, और ये कुछ दिनों के बाद इसमें दाने तैयार हो जाएंगे और फिर मैं कुछ दिनों के बाद इसके ताज़े फलों का स्वाद ले पाऊँगी। तो अगर आप मेरे तरीके से मटर उगाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सारे मटर लगे हुए हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो इसकी मटर की फलियां हैं वो भी बड़े साइज की आई हैं। ये देखिए, ये फूल से अभी मटर निकला ही है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।